हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर से जितने भी करंट पेज के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और एक चीज़ है, आपका जो PDF है, इसका जैसे PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से इसका PDF यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन होने के बाद जो हमें जो टेलीग्राम में PDF को शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप कुछ कुछ जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन देते रहते हो, उससे आप जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 6 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सशस्त्र जो सेना झंडा दिवस है हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है जो हमारे इंडियन नेवी, भारतीय जो सेनाएं हैं, तीनों जो सेनाएं हमारे, उनका हमारे लाइफ में बहुत ही योगदान है। जितने भी यहाँ पे जो आज जो उन्हीं की वजह से हम घर में जो सुरक्षित इन्हीं की वजह से हम रहते हैं, तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देश के प्रति अलग ही उनका समर्पित भाव होता है। तो इनके जो है काम और योगदान की वजह से सशस्त्र झंडा दिवस एक हम हर साल जो है 7 दिसंबर को मनाते हैं। बहुत ही योगदान होता है इनका, जितना मैं बोलूं उतना ही आपका कम है, बाकी आप लोग को पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिट चिप जारी की है? विप्रो ने, IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोलते हैं, या इन्फोसिस ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, IBM जो है सभी को पता होगा, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, और हाल ही में जो है 1000 क्यूबिट चिप इन्होंने जारी किया है, जो कंप्यूटर में जो एक तरह के यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो चिप है, कंप्यूटर में लगने वाला चिप विकसित किया, जो कि कंप्यूटर का और इसको अच्छे से अच्छे डेवलप किया जाए, इसी माध्यम से 1000 क्यूबिट चिप इन्होंने जारी की है आपका IBM कंपनी ने। मल्टीनेशनल कंपनी है, इन्होंने आपका जो क्वांटम कंप्यूटर के लिए इन्होंने यहाँ पे 1000 क्यूबिट चिप किया जाए, ताकि जो कंप्यूटर को जो और तेज़ी से उसको और अच्छे से अच्छे विकसित किया जाए, इसी माध्यम से इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, बी ऑप्शन। तो टाटा कंपनी सभी जानते होंगे, तो टाटा मोटर्स कंपनी ने हाल ही में अपना चौथा स्क्रैपिंग जो संयंत्र कहाँ खोला गया है, तो चंडीगढ़ में खोला गया। यहाँ पे जो स्क्रैपिंग मतलब ये आपका जितने भी पुराने वगैरह कार हैं, यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे इसको रिसाइकलिंग किया जाएगा और फिर से उसको यहाँ पे रिन्यूअल किया जाएगा। तो इस तरह का जो स्क्रैपिंग संयंत्र कहाँ पे, चंडीगढ़ में खोला गया है, ये आपका चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र है जो टाटा मोटर्स के द्वारा इसको खोला गया। साथ ही साथ जो है इन्वायरमेंट के देखते हैं, यहाँ पे जो है पॉल्यूशन ना हो, इसी उद्देश्य पे खास करके काम करने के लिए स्क्रैपिंग जो संयंत्र टाटा मोटर्स के द्वारा खोली गई है चंडीगढ़ में। तो इसको याद रखिएगा, जहाँ पे पुराने से पुराने जो कार वगैरह जो है एक तरह यहाँ पे उनको यहाँ पे रिसाइकलिंग करके उसको फिर से यहाँ पे उनको प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। तो ये जो है स्क्रैपिंग संयंत्र चंडीगढ़ में खोली गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपना जो पहला उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? राजकुमार, प्रकाश राज, हुमा कुरैशी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमा कुरैशी, ये बॉलीवुड की जाने माने एक्ट्रेस है, सभी जानते होंगे इनको, तो एक्ट्रेस है। तो हाल ही में इनके जो पहला उपन्यास मतलब ये इस क्षेत्र में जो है लेखन के क्षेत्र में ये इन्होंने पहला कदम रखा है, तो अपना जो पहला उपन्यास है जिसका नाम है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो इन्होंने लॉन्च किया। ये खास करके यहाँ पे मतलब बॉलीवुड पे जो कैसे स्ट्रगल करते हैं, तो एक तरह का जो कहानी पे जो बेस्ट इन्होंने लिखी है, मतलब महिलाओं के मतलब कितना उत्तरदायित्व होता है, कितना स्ट्रगल उनको झेलना पड़ता है, तो ये जो है ये बुक में उन्हीं के जहाँ पे महिला को प्रेरित करने के लिए बुक को मतलब ये उनके लॉन्च किया है, इनके द्वारा यहाँ पे महिलाओं के प्रति बुक को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश रैना, सभी जानते हैं इंडियन क्रिकेटर हैं सुरेश रैना। तो हाल ही में इनको जम्मू कश्मीर के इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जम्मू कश्मीर में जितने भी
जो युवा मतदाता है जो वोट डालते हैं इनको जो है एक तरह का जो वोट के प्रति इनको जागरूक किया जाएगा। जागरूकता मतलब ये जो हर क्षेत्र में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोगों को जो हमारी युवा पीढ़ियों को एक तरह का जो मतलब उनका जो एक वोट कितना कीमती है उस कीमती जो है यहाँ पे इसको ब्रांड एम्बेसडर बना के जो वोट के पीछे के जो है यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाएगा वोटिंग के लिए यहाँ पे किया जाएगा। तो सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में हमारी भारत के जो आर्ट एंड जो कल्चर है इसको जो है हर गांव गांव हर ग्रामीण एरिया में इसको विकसित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट है यहाँ पे शुरू किए। तो ये हमारी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाना है इसी उद्देश्य से जो संस्कृति मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार कहाँ हुआ है? मुंबई में, कानपुर में, नई दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार कहाँ हुआ है? तो इसका जो सेमिनार कहाँ हुआ है नई दिल्ली में हुआ है, और हमें जो फर्टिलाइजर उर्वरक मंत्री कौन है जी वर्तमान में, तो इसको याद रखिएगा, तो मनसुख मंडाविया नाम को याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया हमारे अभी केमिकल उर्वरक मंत्री हैं। तो हाल ही में इन्होंने 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार आपका दिल्ली नई दिल्ली में हुआ है। इसके तहत जो किसान फर्टिलाइजर जैसे ज़्यादा ज़्यादा केमिकल उपयोग करते हैं जिससे जो है उर्वरक क्षमता जो है एक तरह का ख़त्म होती जा रही है मिट्टी में, जो है यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा केमिकल छिड़काव करेंगे तो ऐसा हो देखने को मिलेगा। इस तरह यहाँ पे लोगों को यहाँ पे मतलब जैविक खेती के लिए करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है उनको जो है कैसे करना है इस खेती में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे जो है योजना इसके लिए चला रही है। तो जो सेमिनार कहाँ हुआ नई दिल्ली में हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश चीन के BRI अलग हुआ है? जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं? थे आपका इटली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BRI क्या होता है? तो ये आपको बॉर्डर रोड इनिशिएटिव होता है, इसका फुल फॉर्म। ये खासकर जो रोड कनेक्टिविटी चाहे समुद्री हो चाहे जैसे नॉर्मल रोड हो, तो एक तरह का जो है मतलब ये रोड कनेक्टिविटी को जो है इसके द्वारा जो है बढ़ावा दिया जाता है। मतलब ये जो है जैसे आप रोड कनेक्टिविटी चाहते हैं तो चाइना आपको लोन देगी, मतलब लोन दोगी इसके तहत आपको जो और जो रोड कनेक्टिविटी है जो ये आप चाहे समुद्री रोड कनेक्टिविटी हो, सड़क परिवहन हो, मतलब एक तरह का परिवहन जो है ये रोड कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करती है, ये आपका काम करते हैं। इसी तरह जो इटली इससे जुड़ा हुआ था, बहुत सारे देश इसमें जुड़ा, हर क्षेत्र में लगभग जो है हर देश में जो रोड कनेक्टिविटी को ये आपका बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह जो चीन के जो BRI से अलग हुआ है इटली है अलग हुआ है, यहाँ के जॉर्जिया मेलोनी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारे G20 में आए हुए थे, इन्होंने जो है जारी जानकारी दी है कि यहाँ पे जो BRI से अलग होने के यहाँ पे जानकारी, इस रोड कनेक्टिविटी में कोई भी काम इनके द्वारा नहीं हुआ है, तो हटने का इरादा इन्होंने बना लिया है इटली के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रवि बिश्नोई, राशिद खान, समीर शाह, या इनमें से कोई नहीं? तो समीर जो शाह है इनको हाल ही में BBC का नया अध्यक्ष इनको बनाया। BBC क्या चीज़ है? तो ये आपका एक तरह का न्यूज़ चैनल है, करंट अफेयर्स वगैरह जो यहाँ पे इसमें सो जो बड़ी बड़ी एक तरह का यहाँ पे चैनल है जिसे आप जो न्यूज़ वगैरह अपडेट कराती है, सबसे पुराना चैनल है। और हमारे जो भारतीय मूल के जो समीर शाह इनको हाल ही में BBC का नया अध्यक्ष इनको बनाया जा रहा है, जो कि हमारे पहले बार ऐसा हो रहा है जो भारतीय मूल को यहाँ के समीर शाह को BBC के नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। यहाँ पे न्यूज़ के क्षेत्र में लगभग 30-35 साल के एक्सपीरियंस भी है, तो इनको जो है अध्यक्ष इनको बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM हैं, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं। तो CM फेलोशिप कार्यक्रम क्या है? तो CM फेलोशिप कार्यक्रम समझते हैं, तो ये खासकर यहाँ के जो युवाओं के लिए
युवाओं के लिए जो है एक तरह यहाँ पे जो बेरोजगार युवा हैं, ये जो सीएम फेलोशिप कार्यक्रम यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया गया है सीएम फेलोशिप करके, तो इसमें जो बेरोजगार युवा इस पोर्टल में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसके तहत यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से उनको रोजगार दिया जाएगा। तो ये जो है कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा इसको चलाया जा रहा था कि जो बेरोजगार युवा है एक तरह उनको रोजगार दिया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे ना जी, याद रख ये तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे। डी के शिव कुमार, अनंतमूला रेवंत रेड्डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनमूला जो रेवंत रेड्डी है, रेवंत रेड्डी बस याद रखेंगे तब भी हो जाएगा। तो ये आपके कौन से पार्टी के हैं, ये आपके कांग्रेस पार्टी के हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है तेलंगाना के। इसके पहले के चंद्रशेखर राव थे, अब उनके जो यहाँ पे चुनाव हो गए 5 राज्य में हुआ था। अभी तक के MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी तक मुख्यमंत्री क्लियर नहीं हुआ है बीजेपी पार्टी का, और मिजोरम को बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनमूला रेवंत रेड्डी कौन से पार्टी के हैं, तो कांग्रेस पार्टी के हैं, तो इसको याद रखिए। अब बात करते हैं यहाँ पे मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लालू दोहमा जो कि आपका यहाँ के नए मुख्यमंत्री के पद के इन्होंने शपथ लिए हैं। और ये आपके कौन से पार्टी के हैं, तो आपके JPM पार्टी के हैं। तो इसको याद रखिए JPM इसका फुल फॉर्म होता है जोरम पीपुल्स मूवमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। इस पार्टी के नए मुख्यमंत्री, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस राज्य के जो गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। केरल को, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो आपका गुजरात में एक चीज़ बहुत फेमस है, वो आपका गरबा है। सभी जानते हो गरबा बहुत ही गुजरात में फेमस है। और जो हाल ही में इस साल जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी गरबा नृत्य में एक सॉन्ग ही इन्होंने रिलीज किया था माड़ी करके, तो गुजरात में बहुत फेमस है गरबा नृत्य। इस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। तो गरबा नृत्य कहाँ किया जाता है, फेमस कहाँ पे है, तो आपके गुजरात में फेमस है। इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल भी करती है। हमारे बहुत मतलब भारत के लिए बहुत अच्छी बात है जो कि गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल किया रिसेंटली इसको किया गया है, तो इसको याद रखें। बात करते हैं गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और भूपेंद्र जी जो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गृह मंत्री अमित शाह जी यहीं से बिलोंग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में बीमा को सुलभ बनाने के लिए एको ने किसके साथ साझेदारी की है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ़ोनपे। एको क्या चीज़ है, तो एको जो एक जो है बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें कार बाइक वगैरह एक तरह का हेल्थ वगैरह बीमा कंपनी है। तो इसको बीमा को सुलभ बनाने के लिए फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है, जो ट्रांजेक्शन की समस्या को जो और बेटर बनाने के लिए यहाँ पे फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है, तो इसको याद रखिएगा। ताकि जैसे आप कोई भी बीमा लेते हैं तो फ़ोनपे के माध्यम से आप यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं, मतलब एक तरह का डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसे जो है टाइम मैगजीन का पर्सनल ऑफ द ईयर चुना गया है। मीरा चंद, टेलर स्विफ्ट, शर्मिला जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलर स्विफ्ट, या आपके अमेरिकी सिंगर हैं, याद रखिए फीमेल है, अमेरिकी सिंगर है, साथ साथ ही आपके राइटर भी हैं, संगीत लेखन भी इनका रुचि है। तो हाल ही में 2023 के लिए इनको टाइम मैगजीन, जाना माना मैगजीन कवर कर रहे, तो हाल में टाइम मैगजीन के इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेशे से एक सिंगर हैं, लेखक भी हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी पेश किया है। मेटा ने, SpaceX, गूगल ने या इनमें से कोई नहीं। तो इस जो है गूगल ने हाल ही में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी इनके द्वारा पेश किया, नाम है जेमिनी। तो आपके मानव मस्तिष्क के तरह जो उपयोग करने के लिए इसको पेश किया है गूगल के द्वारा। ये खास करके जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, और यहाँ पे जो है खास करके जो यहाँ पे मतलब साइंस के क्षेत्र में मनुष्यों के हेल्प के लिए जो है एक तरह का जो है इसको पेश किया जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं इस तरह दुरुपयोग भी कर देते हैं, काम तो अच्छे करते हैं
नए नए टेक्नोलॉजी लाते अच्छे, लेकिन इसका दुरुपयोग भी कर देते हैं। तो इस तरह के जो है जेमिनी जो मस्तिष्क की तरह काम कर गया, ऐसा करके गूगल ने यहाँ पे लॉन्च किया है विज्ञान के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, मतलब हर सेक्टर में काम करने के लिए इसको विकास किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।